तो इस वक्त हम मौजूद है नारनौंद हलके के गांव पुठी में। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहां लोग कुछ बैठे हैं, तो इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि यहां का माहौल कैसा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा राजकुमार पंत। कैसा माहौल चल रहा है चुनावों को लेकर? चुनाव में यहां जी हमारे नारनौंद हलके में जस्सी पेटवाड़ है, इनेलो से है। इनेलो से है। यहाँ पे हम बात करें बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु के, कुछ विकास कार्य हुए हैं? कोई विकास कार्य नहीं करे। हाँ, बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं करे। आप नारनौंद हलका में जाके देखो, ना कोई सड़क है, आप आए भी होगे बस से, ना कोई रोजगार की सुविधा है, ना कोई पानी पीने की पानी की सुविधा है। तो यहाँ के लोगों का रुझान क्या है? यहाँ सिर्फ जो कैप्टन को हराएगा उसके पक्ष में ले रहे हैं, और कैप्टन को सिर्फ जस्सी पेटवाड़ हरा सकता है। जस्सी एक युवा नेता है और इसमें काम करने की रुचि है। इसने 5 साल नारनौंद हलका 20 साल पीछे कर दिया। यहाँ कोई विकास कार्य नहीं करा, सिर्फ एक इस सरकार ने एक जो भाईचारा था वो ख़त्म करने का काम किया है। 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं करा। एक हमारे गांव में एक काम तो करा इसने, एक सरपंच का घर तो बना दिया उसने। यहाँ जैसे सरकार ने कहा था भी पढ़ी लिखी पंचायत बनाई है, कोई पढ़ी लिखी पंचायत का कोई रोल नहीं, सिर्फ एक सरपंच और सेक्रेटरी पंचायत मेंबरों के फर्जी हस्ताक्षर करते हैं और फर्जी चेक कटवाता है। गांव में कोई विकास कार्य नहीं करवा, सिर्फ अपना घर बनाया सरपंच ने। माहौल कोनी जी कुछ भी, कैप्टन तो आ रहा आरा रान पर चल रहे हैं सारे, कैंडिडेट कोई भी पसंद नहीं लोगों के, लेकिन लोगों का एक बात है कि कैप्टन आना चाहिए, इसकी वजह से कैंडिडेट को ज़बरदस्ती वोट दे रहे हैं लोग। कैप्टन को हरा के राजी सारे, कैप्टन ने कोई सुविधा नहीं दे रखी गांव ने, ना तो कदम सरकारी बस आंदी मारे, ना को मेडिकल में डॉक्टर की सुविधा है, लोग इतने परेशान हैं, छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो भी कस्बा में जाना पड़ा है। तो क्या लगता है कैप्टन को हराने के लिए और आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने के लिए कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा नारनौंद के लिए? इसके लिए तो गाँव ये बात नहीं बता सकते जी कौन खरा उतरेगा। वादे तो सारे करें लेकिन वादों पर खरा तो कोई उतरता नहीं, ठीक है, लेकिन लोगों की मनसा यही है, कैप्टन से ज़्यादा लोग नाराज हैं और इसको वोट नहीं देना चाहते लोग। पुठी गांव में कैप्टन के खिलाफ साज रहा माहौल, खिलाफ है। किसके पॉजिटिव किसका है, किसी के पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं? ये बात तो लोग मेले जोशी पेट वाले ने लाग रहे हैं, बढ़िया मान रहे हैं, और रोड देखो आगे कुल कुकर चलता जागा, इसे में मतलब बढ़ोतरी होती जागी, क्यों ताज़ा छोरा है नया, उस तो मान उम्मीद कर रहे हैं भाई कि उनकी मैं आगे बढ़िया काम करेगा। युवा होने के कारण लोगों की हाँ उम्मीद है कि उसका भी लोग पता ही नहीं ना कि एक काम करेगा, मतलब जिसकी पता हो जिसका नया चेहरा चेहरा देखना था हमें। पुठी गांव में कोई रास्ता नहीं है कहीं आने जाने का, मेन बात तो यही है। और एक बस लग रही थी मैं 80 से बस, एक महीने से बंद हो चुकी हो क्योंकि सड़क नहीं बन रही है। हरियाणा में एक ही गाँव है जो बस से पुठी रोड बनने जा रहा है, इस गाँव में बस बंद कर दी। मेन बात यही है कैप्टन को हमारा हराना है बस। तो क्या लगता है कैप्टन को हराने के लिए और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने वाला कौन सा कैंडिडेट है? वो तो देखो माहौल बताएगा, जिताऊ वोट देवांगे हम अब तो, चाहे वो इनेलो कांग्रेस और कांग्रेस का हो चाहे जेजेपी का हो, जिताऊ वोट देवांगे कैप्टन। हमने कैप्टन तो या लागे या कूता नीट, सही बताऊँ आप आगे ना तो जब किसान के लिए कोई सुविधा ना, किसान ने कुछ मिल रहा ध्यान तो मौजा मिल लिया, ध्यान बीमा मिल लिया, बीमा भी मौजा भी रहा दे बैठे नहीं, ना गांव में कोई विकास है। अरे महाराज तो मतलब यू कोई पानी नहीं पात कुछ नहीं, मतलब बिरान मैटी कर रखी थी हमारी, ना एक बार आता जब पास बोड़ी गांव माना नहीं, ना कोई पूछना चेसाए शोक भूखे जो मामला के है, कभी आना नहीं हुआ ना, कुछ नहीं आना उना कोई नहीं आवा तो उल्टा सीधा बोला है, मतलब मानसा गला कोई हिसाब सर बोल नहीं रहा। यू लीला कैसा रुझान चल रहा है पुठी गांव में? तो जस्सी पेटवाड़ के साथ से पूरा गांव, हाँ पूरा हल्का है, हाँ कैथल रैली में भी चरसा पासा का डिजायर ही थी हल्का मत नारनौंद। हमारे गांव में सरकार ने तो ना तो मेडिकल की सुविधा, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई दवाई नहीं, पशुओं का अस्पताल है ना, इसमें पशुआ ले जावा कोई दवाई नहीं किसी प्रकार की भी, कोई नहरा में पानी आंदा नहीं, सारी गली खराब हो पड़ी है। कि विधायक को आपने कभी शिकायत की? शिकायत कर ली, खूब लगा ली हमने, खूब चंडीगढ़ भी जा लिए, आदमी जाओ पंचायत ले ले चंडीगढ़ भी धमकी दे आगत बात कौन करता, उसका भाई आदाड़ सतपाल मेजर है वो भी आगत धमकी दे आदमी ने बढ़िया डाल बात कौन करता आदमी के साथ है। एक उसके साथ में वो था कप्तान संघवाड़ा, वो बोलिया बोलिया चाहे कितने वोट गिर लियो फूल पर जाऊंगे, ये तो जीतेगा मैं, इसको तो हम जीतने नहीं देना, हल्का में तो पूरा जोर लगावाएं।
पूरा हल्का खिलाफ है। गांव के लोगों को क्या रुझान आ रहा है, किस पार्टी की तरफ आ रहा है? पार्टी चुटाला पार्टी से जस्सी पेटवाड़ के साथ है। पूरा पार्टी दोबारा सत्ता मिलाना चाहते हैं? हाँ, पूरा इसके साथ है, जस्सी के साथ है, चुटाला पार्टी ओम प्रकाश चुटाला के साथ से सारा हल्के लोग है। हमारा अस्पताल में भी सूर चरे हैं, कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की भी। जमा एक आड़ है मैसर धोरो को नाला, एक साल हो गया पट्टिया पिटिया है, गंदगी में नरक हो रहा जीना लोगों का, उड़ा बीमार हुए खूब, कोई सुनाई नहीं किसी प्रकार की भी। राम राम भाई। कैसा माहौल चल रहा है? जमा जोर का। किसको वोट दोगे? जस्सी की। जस्सी की। हाँ। कैप्टन ने कोई काम कराए हैं गांव में? इबलक तो कुछ भी नहीं करा है कैप्टन ने। कैप्टन मारा नाले नहीं मनवादा, जब मारा गंद छड़न लाग रहा जोड़ा का, देखो आप भी मारी गांव न सुधार देने, कोई आ जाओ मारे लिए बढ़िया आ जाओ। कैसा माहौल चल रहा है गांव में? पुट्ठी गांव ऐसा ही नहीं चल रहा है गांव में तो। किसका चल रहा है? जस्सी पेटवाड़ का ही। जस्सी पेटवाड़ इन लोग बुला रहे हो? आप बीजेपी से खुश हो? खुश बीजेपी तो कोई खुश नहीं है, नाव की मैं कर दम तो गांव में। कैप्टन ने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं करा उसने। जस्सी करेगा? करेगा, उसकी उम्मीद है पूरी। देखो कैप्टन के रहने के लिए बात नहीं है इसमें, कैप्टन ने कुछ काम नहीं किए और जो काम करने चाहिए, जैसे बच्चों की फीस है, फार्म दे फार्म भरवाए हैं, फर्जी वो निकाल दी वैकेंसी, अब भाई इतनी वैकेंसी हैं 500-500, 700-700 रुपए एक बच्चे के अमूमन पर फार्म के लगे हैं, करोड़ों रुपया ही नहीं गए एजेंट आगे बैठ गए, टेस्ट लेने वाले भी तो ना, तो किसी का नौकरी का होया, करोड़ों अरबों रुपया जे में डाल गए ने। तो इस गांव के नारनौंद हलके के लोग क्या चाहते हैं? नारनौंद हलके के लोग तो विकास चाहते हैं, नलो पार्टी को ही चाहते हैं। नलो पार्टी को? एक मारे प्लाट से कच्चे जी अरुण में आई टी आई या के है आई टी आई, हाँ या लगा दे हैं को घर बना सकते नहीं, प्लाट ले ले गए रखे से कुछ नहीं कर सकते, या सरकार ने ये पक्के प्लाट भी नहीं करे। किसको वोट देंगे आप? वोट तो देखांगे ही बेटे मान दे फिर देखांगे। हाँ।